हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल हर वर्ष अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत के कारण लाखों पर्यटकों, प्राकृतिक प्रेमियों एवं तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। हिमाचल के उत्तर में स्थित कुल्लू मनाली क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखता है। इसके बर्फ से ढकी चोटियां, देवदार से भरे जंगल, सेब से लदे बगीचे, निर्मल हिमानिया और दिलकश वादियां सहज ही सैलानियों के चित्त को एक दूसरे लोक में विचरण की स्वर्गीय अनुभूति देती है। सामान्य पर्यटक जहां बस, गाड़ी और वाहनों में ही घाटी के अवलोकन का लुत्फ उठाते हैं, वहीं कुछ साहसी प्रकृति प्रेमियों का एक वर्ग ऐसा भी है जिसे इतने भर से ही संतोष नहीं होता। वे हिमालय के सघन वनों, दुर्गम घाटियों, हिमानियों व बर्फीली चोटियों को पास से देखना व अनुभव करना चाहता है और इसकी दुर्गम चेतना से सीधा संवाद स्थापित कर जीवन के उच्च स्तरीय मर्म को भेदना चाहता है। हेटेक इसी तरह के रोमांच प्रेमियों को सहयोग एवं मार्गदर्शन देने में सक्षम उत्साही युवा विशेषज्ञों का क्लब है। हिमाचल की वादियों में ट्रैकिंग और अन्य साहसिक खेलों का आयोजन इसका कार्यक्षेत्र है। कुल्लू मनाली की सुंदर घाटियों में इसके कई ट्रैकिंग ट्रेल हैं, जिनमें से कसोल चंद्रखणी विशेष रूप से लोकप्रिय है। 6 कैंपों के साथ इसका ट्रैक पूरा होता है। ये ट्रेल ब्यास और पार्वती नदी के उद्गम और संगम के बीच मौजूद दिव्य त्रिकोण में फैला हुआ है। इस क्षेत्र का अपना आध्यात्मिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार ये क्षेत्र शिव और शक्ति की क्रीड़ा स्थली रहा है। यहाँ एक छोर पर जहाँ बिजलेश्वर महादेव का सुप्रसिद्ध मंदिर है, तो दूसरे कोने पर 18 करड़ू देवताओं की निवास स्थली चंद्रखणी, पांडवों के अज्ञातवास की भी यह शरण स्थली रही है। जमदग्नि, ब्यास, पराशर, विशिष्ट जैसे ऋषियों की तप ऊर्जा से भी यह क्षेत्र आप्लावित है। इस ट्रैक का पहला पड़ाव है कसोल। मणिकरण से मात्र 4 किलोमीटर पहले और भुंतर से 31 किलोमीटर आगे यात्री बस से उतरकर यहीं बेस कैंप में पहले दिन यात्रा की थकान उतारते हैं। देवदार के आसमान छूते वृक्षों और सेब के बगीचों के बीच स्थित इस कैंप का सुरम्य वातावरण यात्रियों को तरोताजा कर देता है। अगले दिन सुबह 5:30 बजे घंटे बजते ही दिनचर्या शुरू होती है। चाय के बाद अल्पाइन वार्म अप होता है। 1.5 घंटे की जॉगिंग और हल्के व्यायाम के बाद नाश्ता मिलता है। 9 बजे रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रैकिंग उपकरण इश्यू होते हैं। फिर एक्लेमेटाइजेशन वॉक होती है, जिसे आगे के हजारों फीट ऊंचे दुर्गम मार्ग की तैयारी कह सकते हैं। दोपहर भोजन विश्राम के बाद माउंटेन वॉकिंग पर लेक्चर होता है। पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम थकान के साथ सुरक्षित यात्रा भी एक कला और विज्ञान है। इसकी गाइडलाइन एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर देते हैं। बाद दोपहर 4 बजे चाय स्नैक्स के बाद योगा कक्षाएं या गेम्स होती हैं। छह बजे सूप की व्यवस्था रहती है। शाम को कोर्स के उद्देश्यों पर ग्रुप डिस्कशन होता है। रात को डिनर के बाद हॉट ड्रिंक्स के साथ कैंप फायर होता है। अंत में रोल कॉल और अगले दिन की ब्रीफिंग के साथ दिन की व्यस्त चर्या का अंत होता है। अगले दिन सुबह चाय नाश्ते के बाद रॉक क्लाइंबिंग का विशेष सत्र चलता है।
दोपहर लंच के बाद नॉट प्रैक्टिस करवाई जाती है। शाम का ग्रुप डिस्कशन लीव नो ट्रेस। अगले दिन सुबह चाय नाश्ते के बाद अगले कैंप एक की ओर प्रस्थान करते हैं। पार्वती नदी की गर्जन तर्जन करती तेज धार के ऊपर झूमते कुल को पार करना नए यात्रियों के लिए एक रोमांचक अनुभव से कम नहीं रहता। यहाँ से खेत, गांव, सेब के बागों व जंगलों के बीच खड़ी चढ़ाई को पार करते हुए घाटी के शिखर पर बिजली महादेव का मंदिर आता है, जो व्यास पार्वती के संगम के ठीक ऊपर 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर दूर दूर तक फैली वादियों का विहंगम दृश्य और इसके बीच व्यास नदी की पतली रेखा सृष्टा की अद्भुत कलाकारिता के भाव से विस्मित कर देती है। ट्रेकर मंदिर में माथा टेककर महादेव के आशीर्वाद के साथ आगे की यात्रा